दिन की देवी के हैं 9 खास प्रसाद, जानिए महत्व। नवरात्र में हर रोज देवी के विभिन्न रूपों का पूजन और उपाय करके माता को प्रसन्न किया जाता है। नवरात्र से पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक माँ को उनका मनपसंद भोग लगाकर जरूरतमंदों में वितरित कर देने से माँ का आशीर्वाद बना रहता है। माँ शैलपुत्री। प्रथम नवरात्र में माँ दुर्गा की शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री की पूजा करने से मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है और साधकों को सभी प्रकार की सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। माँ का वाहन वृषभ है तथा इन्हें गाय का घी अथवा उससे बने पदार्थों का भोग लगाया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी। दूसरे नवरात्र में माँ के ब्रह्मचारिणी एवं तपचारिणी रूप को पूजा जाता है। जो साधक माँ के इस रूप की पूजा करते हैं उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है और जीवन में वे जिस बात का संकल्प कर लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। माँ को शक्कर का भोग प्रिय है। माँ चंद्रघंटा। माँ के इस रूप में मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र बना होने के कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा तथा तीसरे नवरात्र में माँ के इसी रूप की पूजा की जाती है तथा माँ की कृपा से साधक को संसार के सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। शेर पर सवारी करने वाली माता को दूध का भोग प्रिय है। माँ कुष्मांडा। अपने उदर में ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माँ कुष्मांडा की पूजा चौथे नवरात्र में करने का विधान है। इनकी आराधना करने वाले भक्तों के सभी प्रकार के रोग एवं कष्ट मिट जाते हैं तथा साधक को माँ की भक्ति के साथ ही आयु, यश और बल की प्राप्ति भी सहज ही हो जाती है। माँ को भोग में मालपुआ अति प्रिय है। माँ स्कंद माता। पंचम नवरात्र में आदि शक्ति माँ दुर्गा की स्कंद माता के रूप में पूजा होती है। कुमार कार्तिकीय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। इनकी पूजा करने वाले साधक संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की वस्तु का कोई अभाव कभी नहीं रहता। इन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं। माँ का वाहन सिंह है और इन्हें केले का भोग अति प्रिय है। माँ कात्यायनी। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति माँ दुर्गा ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका कात्यायनी नाम पड़ा। छठे नवरात्र में माँ के इसी रूप की पूजा की जाती है। माँ की कृपा से साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि चारों फलों की जहाँ प्राप्ति होती है वहीं वह अलौकिक तेज से अलंकृत होकर हर प्रकार के भय, शोक एवं संतापों से मुक्त होकर खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। माँ को शहद अति प्रिय है। माँ कालरात्रि। सभी राक्षसों के लिए काल रूप बनकर आई माँ दुर्गा के इस रूप की पूजा सातवें नवरात्र में की जाती है। माँ के स्मरण मात्र से ही सभी प्रकार के भूत, पिशाच एवं भय समाप्त हो जाते हैं। माँ की कृपा से भानु चक्र जागृत होता है। माँ को गुड़ का भोग अति प्रिय है। माँ महागौरी। आदिशक्ति माँ दुर्गा के महागौरी रूप की पूजा आठवें नवरात्र में की जाती है। माँ ने काली रूप में आने के पश्चात घोर तपस्या और पुनः गौरवर्ण पाया और महागौरी कहलाई। माँ का वाहन बैल है तथा माँ को हलवे का भोग लगाया जाता है। तभी अष्टमी को पूजन करके माँ को हलवे पूरी का भोग लगाया जाता है। माँ की कृपा से साधक के सभी कष्ट मिट जाते हैं, उसे आर्थिक लाभ भी मिलता है। माँ सिद्धिदात्री। नौवें नवरात्र में माँ के इस रूप की पूजा एवं आराधना की जाती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, माँ का यह रूप साधक को सभी प्रकार की सिद्धियाँ एवं रिद्धियाँ प्रदान करने वाला है। जिस पर माँ की कृपा हो जाती है उसके लिए जीवन में कुछ भी पाना असंभव नहीं रहता। माँ को खीर अति प्रिय है, अतः माँ को खीर का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही रोचक भरी जानकारी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।